डायनेमिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में डिस्कस किया था कुछ आर्टिकल्स थे और कुछ क्वेश्चन देखे थे हमने आज के इस वीडियो में हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन ओ ए बी एंड इट हैज़ वेलोसिटी जीरो वेन इट इज़ एट दी पॉइंट ए एन बी ए पर इसकी वलॉसिटी ज़ीरो है और बी पर भी इसकी वलॉसिटी ज़ीरो है पार्टिकल का मोशन एस एच एम है सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव कर रहा है ये पार्टिकल एंड इट हैज़ वलॉसिटी वी वैन इट इज़ हाफ वे बिटवीन दैम जब इन दोनों के एग्जैक्टली exactly हाफ बिल्कुल मिड पोजिशन पर इसकी वलॉसिटी वी है इफ़ द डिस्टेंसेस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम ओ दिस इज ओ ओरिजिन ओ से ए तक का डिस्टेंस ए गिवन है क्वेश्चन में और ओ से बी तक का डिस्टेंस बी गिवन है रेस्पेक्टिवली शो दैट पीरियोडिक टाइम इज पाई माइनस हमें प्रूव करना है पाई माइनस सॉरी पाई बी माइनस ए डिवाइडेड बाय वी ये है रिक्वायर्ड टू प्रूव कि टाइम पीरियड ये होगा ठीक है so, तो इस इस पोजीशन को हम ओ डैश नाम दे देते हैं जहाँ पर वेलोसिटी वी है पार्टिकल की ओ डैश ओके तो देखिए जो ए और ओ पोजीशंस हैं यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी ज़ीरो है जब हम एसएचएम डिस्कस करते हैं तो उसमें होता क्या जैसे मान लीजिए ये जब हमने आर्टिकल डिस्कस किया था उसमें हम कैसे डिस्कस कर रहे थे एस एच एम के मोशन को कि अगर ये ए डैश है एंड दिस इज़ ए और ये ओ है ओ इसका मेन पोजीशन है या फिर आप ऐसे बोलो कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है तो यहाँ पर था क्या कि जो इसकी एक्सट्रीम पोजिशन थी ये जो पोजिशंस थी यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो होती थी और एग्जैक्टली exactly इनके ये जो मिड पॉइंट है इन दोनों का या फिर जो मेन पोजीशन है इसका यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी हमें मिलती थी और यही सेम चीज़ यहाँ पर बोली गई है अब यहाँ पे जो पोजीशंस हैं वो ए और बी हैं और जहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी है वो ओ डैश है तो आप इस चीज़ को इससे जब रिलेट करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ओ डैश पर सबसे हाइएसट सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी है और मैक्सिमम वेलोसिटी का हमें फॉर्मूला पता है दैट इज़ अंडर रूट म्यू इन टू में एम्पलीट्यूड तो मैं यहाँ पर एम्पलीट्यूड लिख रही हूँ क्योंकि ए ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज़ कर रखा है तो हम मान लेते हैं कि एम्प्लीट्यूड अस से सी है ठीक तो है तो ये फॉर्मूला है मैक्सिमम वेलोसिटी का एम्प्लीट्यूड क्या होता था यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एम्पलीट्यूड कहलाता था एम्प्लीटूड ओके okay? ए से ही हम एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं बट क्वेश्चन में ये जो स्मॉल ए है वो यूज़ किया गया है ओ ए का डिस्टेंस बताने के लिए इसलिए मैंने यहाँ पर सी डिस्टेंस यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर सी आप एम्प्लीट्यूड uh, को कंसिडर कर सकते हो तो हमें क्या चाहिए हमें ये डिस्टेंस चाहिए ओ ए डिस्टेंस चाहिए और क्वेश्चन में हम देखें तो हमें या तो आप ए डैश का डिस्टेंस का कैलकुलेट कर लो या फिर आप ओ बी का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा ओके okay. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बी गिवन है और हम अगर उसमें से ये ए सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें ये डिस्टेंस पता लग जाएगा ये डिस्टेंस हो जाएगा बी माइनस ए बट क्योंकि हमें एम्पलीट्यूड चाहिए तो एम्प्लीट्यूड में सिर्फ ये डिस्टेंस चाहिए होगा ठीक है तो इसलिए हमने क्योंकि इसका हाफ़ है ये तो हमने क्या कर दिया बी माइनस ए डिवाइडेड बाई टू कह कर दिया ये इसका एम्पलीट्यूड आ गया है यहाँ पर तो मैक्सिमम वेलोसिटी वी है अंडर रूट म्यू और एम्पलीट्यूड आ गया बी माइनस ए डिवाइडेड बाय टू तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे अंडर रूट म्यू की वैल्यू ऐसा क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है जो टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला होता है टू पाई अंडर रूट म्यू ओके सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टू वी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए इजिक्वल्स टू अंडर रूट म्यू टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हम पुट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये टू पाई डिवाइडेड बाई अंडर की वैल्यू टू वी बी माइनस ए टू से टू कैंसल एंड टाइम सॉरी टू से टू कैंसिल एंड टाइम पीरियड आ गया पाए बी माइनस ए डिवाइड बाय वी जो हमें प्रूव करना था नेक्स्ट क्वेश्चन एट द एंड ऑफ थ्री सक्सेसिव सेकेंड्स द डिस्टेंस द डिस्टेंस ऑफ मूविंग पॉइंट विद एस एच एम फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन तीन सक्सेसिव सेकेंड्स के बारे में बात कर रहा है तो लेट हमने उसको मान लिया टी टी प्लस वन एंड टी प्लस टू और जो पार्टिकल है वो एस एच एम की के मोशन में मूव कर रहा है फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन और जो डिस्ट इस तरीके से ये मेन पोजिशन मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं ए दिस इज डैश और तीन पोजीशंस मानी गई हैं तो आप इनको मान लो और इनका डिस्टेंस जो है फ्रॉम ओरिजिन गिवन है वन फाइव एंड फाइव टाइम पीरियड हमें गिवन है तो इस डिस्टेंस पे वन है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इस टाइम पीरियड पे, पे है फाइव और इस पे भी है फाइव ये हमें क्वेश्चन में गिवन है हमसे पूछ रहा है कि शो दैट द पीरियड ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन इज यू हैव टू प्रूव टी इज इक्वल्स टू टू पाई बाई थीटा सेकेंड ठीक है ये हमें प्रूव करना है कि इसको पूरे कंप्लीट ऑसिलेट करने में इतने सेकेंड्स लगेंगे एंड क्वेश्चन में मेंशन है कि कॉस कॉस थीटा की वैल्यू है थ्री बाई फाइव ठीक है मैं क्वेश्चन मैंशन करूँगी डिस्क्रिप्शन में तो आप एक रिपर रीड कर लेना तो हमें हमें ये कैलकुलेट करना है कि इसका टाइम पीरियड टू पावे थीटा सेकेंड होगा तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं हमें तीन तीन डिफरें, डिफरेंट डिफरेंट सेकेंड्स पे डिस्टेंस गिवन है वन फाइव एंड फाइव जब हमने आर्टिकल डिस्कस किया था तो उसमें हमने एक्स की एक्स के का फार्मूला कैलकुलेट किया था कि अगर हम ओरिजिन से मेजर करते हैं तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा ठीक है तो अगर ओरिजिन से मेजर किया जा रहा है देन हमारे पास फॉर्मूला होता है ए साइन म्यू अंडर रूट म्यू टी इस फार्मूले में एक्स भी है टी भी है तो हम हम तीन इक्वेशंस बना सकते हैं ये हो जाएगी पहली इक्वेशन ये दूसरी इक्वेशन और ये तीसरी इक्वेशन तो पहले इक्वेशन से एट टाइम टी डिस्टेंस वन गिवन है सो पहली इक्वेशन हो जाएगी वन इज इक्वल्स टू ए साइन म्यू टाइम इज टी ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई देन सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी फाइव इज इक्वल्स टू ए साइन अंडर रूट म्यू और टाइम टी प्लस वन थर्ड इक्वेशन हो जाएगी फाइव इज इक्वल्स टू ए साइन अंडर रूट म्यू टी प्लस टू ठीक है अब इन तीनों इक्वेशंस का यूज़ करके हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है सो व्हाट आई एम डूइंग इज मैं पहली और इस दूसरी इक्वेशन तो को सॉरी थर्ड इक्वेशन को इन दोनों को ऐड कर देती हूँ एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन आई विल गेट फाइव प्लस वन सिक्स ए कॉमन ले लिया ये हो जाएगा साइन अंडर रूट म्यू टी प्लस साइन अंडर रूट म्यू टी प्लस टू सो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे दैट इज टू साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू तो ए प्लस बी बाई टू है एंड ए माइनस बी ए माइनस बी बाई टू को हम कैलकुलेट कर लेते हैं ए की वैल्यू ये रही और यहाँ इसमें बी की वैल्यू ये रही तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू विल बी अंडर रूट म्यू टी प्लस अंडर रूट म्यू टी प्लस अंडर रूट म्यू टू आ जाएगा डिवाइडेड बाई टू ओके इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये टू टाइम्स म्यू टी हो जाएगा टू टाइम्स म्यू टी प्लस टू अंडर रूट म्यू बाय टू टू से टू कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट म्यू टी प्लस अंडर रूट म्यू अंडर रूट म्यू कॉमन लिया यहाँ पर आ जाएगा टी प्लस वन इसी तरीके से हम ए माइनस बी बाई टू कैलकुलेट कर लेते हैं a माइनस बी बाई टू दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू टी देन माइनस अंडर रूट म्यू टी प्लस वन डिवाइडेड बाई टू अंडर म्यू टी माइनस अंडर म्यू टी माइनस अंडर म्यू ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा माइनस अंडर रूट म्यू बाय दिस इज टी प्लस टू और यहाँ पर भी आ जाएगा टू टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट म्यू और इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद हमें मिलेगा सिक्स इज इक्वल्स टू टू ए साइन ए प्लस बी बाई टू की वैल्यू थी अंडर रूट म्यू टी प्लस वन कॉस माइनस अंडर रूट म्यू कॉस इवन है तो आप सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव का अंडर रूट म्यू भी लिख सकते हो ओके अब इक्वेशन नंबर टू में जो हमने तीन इक्वेशंस बनाई थी उसमें हमें इसकी वैल्यू पता है दैट ए साइन अंडर रूट म्यू टी प्लस वन की वैल्यू फाइव है तो हम देखते हैं क्या हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं तो ये हो गया साइन अंडर रूट म्यू टी प्लस वन एंड ए तो इसकी जगह पर हम फाइव वैल्यू पुट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू ए साइन म्यू टी प्लस वन की वैल्यू हो जाएगी फाइव सो सिक्स इज इक्वल्स टू टू इंटू फाइव कॉस अंडर रूट म्यू फाइव टू द टेन यहाँ पे आ जाएगा सिक्स डिवाइडेड बाय टेन इज इक्वल्स टू कॉस अंडर रूट म्यू और यहाँ से हम अंडर रूट म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट म्यू इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स थ्री बाय फाइव एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन में हमें गिवन है कॉस थीटा की वैल्यू थ्री बाय फाइव है और यहाँ से हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस इनवर्स थ्री बाय फाइव कॉस इनवर्स थ्री बाय फाइव यहाँ पर भी हमें मिल रहा है तो उसकी जगह पे हम थीटा पुट कर सकते हैं तो अंडर रूट म्यू इज़ इक्वल्स टू हमारे पास आ गया थीटा नाउ टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल्स टू टू पाई अंडर रूट म्यू और इसमें हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा टू पाई थीटा एंड यूनिट लग जाएगी सेकेंड क्योंकि क्वेश्चन में थ्री सक्सेसिव सेकेंड्स की हमें का हमें डिस्टेंस दिया होता है और से क्या डिस्टेंस होगा तो यूनिट कौन सी चलेगी सेकेंड और यही हमें प्रूव करना था हैंस प्रूफ नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये बोला जा रहा है कि आप ये शो करो कि पॉइंट एस एच मोशन में है ठीक है और इस चीज़ को कैसे प्रूफ करते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये नाइनटीन इफ द डिसप्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग पॉइंट एट एनी टाइम टी इज गिवन बाई एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस के टी प्लस बी साइन के टी ये हमें गिवन है एंड हमें शो करना है कि ये पॉइंट एस एच एम मोशन में है ठीक है फिर क्वेश्चन में थोड़ा और और भी चीज़ें पूछी गई हैं एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वेलोसिटी फिर पहले इसको समझते हैं कि हम कैसे ये शो कर सकते हैं कि कोई भी पॉइंट एस एच एम मोशन में है तो जो हमने इसका आर्टिकल किया था तो हमने उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो एक्सेलरेशन होता है इस मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा डायरेक्टेड होता है टूवर्ड्स दी दिस फिक्स्ड पॉइंट एंड प्रपोशनल होता है डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस डिस्टेंस के और यहाँ से हमें मिल जाता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वी डी वी बाय डी एक्स ये या तो ये आ जाए या फिर डी वी बाय डी टी आ जाए या फिर डिस्प्लेसमेंट का डबल टाइम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी तो ये तीनों ही एक्सेलरेशन के फॉर्मूला है तो अगर आप ऐसी इक्वेशन यहाँ पे माइनस अगर हम ऐसी इक्वेशन शो कर देते हैं देन हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो एसएचएम मोशन में है ठीक है तो करना क्या है यहाँ पर हमें डबल टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए और वो कुछ ऐसी फॉर्म में आना चाहिए तो एक्स की वैल्यू हमें पता है हम इसका एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो ये हो जाएगा ए माइनस साइन के टी के के टी का वापस से करेंगे तो के आ जाएगा प्लस बी कॉस के टी एंड वापस से करेंगे के टी का तो के आ जाएगा ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट देन सेकेंड टाइम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए के साइन का हो जाएगा कॉस के टी और के टी का वापस से करेंगे यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर देन कॉस का करेंगे तो साइन हो जाएगा के बी साइन के टी और के टी का वापस से करेंगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर ओके यहाँ से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं देन के स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं ब्रैकेट में बचेगा ए कॉस के टी प्लस बी साइन के टी और यहाँ पर जो ब्रैकेट में हमें मिल रहा है वो अगेन किसकी वैल्यू है एक्स की वैल्यू है क्वेशन में गिवन है तो हम इसकी जगह पे पुट कर सकते हैं तो ये आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर एंड एक्स इसको आप कैसे लिख सकते हो डी डबल टाइम डिफ्रेंश दिस इज इक्वल्स टू माइनस के स्क्र एक्स अब आप कंपेयर करोगे तो ये कौन सी फॉर्म में मिल रहा है ये इसी फॉर्म में माइनस म्यू एक्स यहाँ पर कंपेयर करने पे म्यू की वैल्यू आपको मिल जाएगी के स्क्र तो ये जो हमें मिला है इससे हम ये बता बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो एस सच्चा मोशन में जब भी बोला जाए तो आपको ऐसी ही इक्वेशन जो है वो निकालनी है और वेर म्यू इज इक्वल्स टू के स्क्वायर इसी क्वेशन में फर्दर आगे हमसे पूछा गया है कि अगर ए की वैल्यू थ्री है बी की वैल्यू फोर है एंड के की वैल्यू टू है देन हमें कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टू पाई अंडर रूट म्यू दिस इज इक्वल्स टू टू पाई म्यू की वैल्यू है के स्क्वायर एंड यहाँ से अगर हम अंडर रूट म्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा के तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं के के की वैल्यू क्वेश्चन में टू गिवन है सो टू पाए बाय टू टू से टू कैंसिल टाइम पीरियड की वैल्यू हो गई पाए नाउ हो अब हमें अगर इसी क्वेश्चन में बोला जाए कि एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करो तो एम्पलीट्यूड बेसिकली है क्या जो एक्स होता है उसी की वैल्यू होती है ये एम्पलीट्यूड और जब डी एक्स बाई डी टी ज़ीरो के इक्वल हो जाए इस इस बात का क्या मतलब है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम कोई चेंजमेंट नहीं हो रही है तो एम्पलीट्यूड एक्स की ही वो वैल्यू होती है तो हमने डी एक्स बाई डी टी कैलकुलेट किया था तो डी एक्स बाई डी टी को इक्वेट कर देंगे हम इजिक्वल्स टू ज़ीरो सो एक्स को जब हमने डिफ्रेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू टी रहा तो इसको हम इक्वेट कर देंगे ज़ीरो से और इक्वेट करने पर ये हमें मिल जाएगा के, के बी कॉस के टी ये नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में हो जाएगा ए के साइन के टी के से के कैंसिल हो जाएगा बी कॉस के टी इज इक्वल्स टू ए साइन के टी ठीक है तो यहाँ से कॉस के टी को हम इस साइड शिफ्ट करेंगे सो साइन बाय कॉस हमें मिल जाएगा टेन ए को हम लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं सो वी विल गेट बी बाय ए इज इक्वल्स टू टेन के टी जो मेन इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दी गई है हम उसमें पुट करेंगे ई एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस टी बी साइन के टी उसके लिए हमें कॉस के टी एंड साइन के टी की वैल्यू जाननी है हमारे पास है टेन के टी तो यहाँ से इसका यूज़ करके हम साइन और कॉस दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे सो so, टेन हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस तो यहाँ से हमें मिल जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा बी और बेस हमें गिवन है ए तो यहाँ ए हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन के टी की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर दैट इज़ बी बाय हाई दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसी तरीके से कॉस के टी की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लेते हैं दैट इज बेस अपॉन में हाई तो ये आ जाएगा ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब हम जो क्वेश्चन में हमें इक्वेशन गिवन है उसमें पुट कर देते हैं इसको तो क्वेश्चन में गिवन है एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस के टी प्लस बी साइन के टी वैल्यू पुट करेंगे सो so यहाँ से मिल जाएगा ए कॉस के टी की वैल्यू थी इन टू में ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी साइन के टी की वैल्यू है बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ से हमें ये मिल जाएगा एम्पलीट्यूड ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है थ्री बी की वैल्यू गिवन है फोर तो हम इसमें पुट करेंगे सो वी विल गेट दिस इज इक्वल्स टू थ्री इंटू थ्री डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर इज सिक्सटीन बी स्क्वायर इज नाइन देन प्लस बी की वैल्यू है फोर दैट इज़ सिक्सटीन अंडर रूट अगेन सिक्सटीन प्लस नाइन यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट सॉरी फाइव इसको सॉल्व करेंगे ट्वेंटी फाइव आ जाएगा अंडर रूट ट्वेंटी फाइव इज फाइव सो दिस इज़ इक्वल्स टू नाइन बाई फाइव प्लस सिक्सटीन बाय फाइव इसको ऐड करेंगे यहाँ आ जाएगा ट्वेंटी फ़ाइव और इसको कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा फाइव तो एम्पलीट्यूड हमारे पास आ गया एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू फाइव टाइम पीरियड हमारे पास आया था पाई और हमने इस पार्टिकल के मोशन को प्रूव किया था एस एच एम सो इसी सिंगल क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें पूछी गई हैं ये एस एच एम पूछा गया था टाइम पीरियड पूछा गया था एम्प्लीट्यूड पूछा गया था फोर्थ इज मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी गई है इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट म्यू अंडर रूट म्यू इंटू में एम्पलीट्यूड ठीक है सो एम्प्लीट्यूड अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया है फाइव और यहाँ पर अंडर रूट म्यू के के इक्वल आया था और क्वेश्चन में के की वैल्यू गिवन है टू तो so यहाँ पर पुट कर देंगे सो मैक्सिमम वेलोसिटी हमारे पास आ गई टेन आई होप तीनों क्वेश्चन क्लियर है नेक्स्ट वीडियो में हम इलास्टिक स्ट्रिंग का टॉपिक स्टार्ट करेंगे थैंक uh, यू